बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोलाइडी विलयनों को बनाने की विधियां एवं शुद्धिकरण के बारे में पढ़ा और आज हम लोग पढ़ेंगे कोलाइडी विलयनों के गुणों के बारे में। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। पहला गुण क्या है? अणुसंख्यक गुण। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे अणुसंख्यक गुण की। देखिए, कोलाइडी कण बड़े पुंज होते हैं, अतः कोलाइडी विलयन में वास्तविक विलयन की तुलना में कणों की संख्या कम होती है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि जो कोलाइडी कण होते हैं, कोलाइडी कण क्या होते हैं? पुंज रूप में होते हैं। भी हम लोगों ने पढ़ा भी है कि कोलाइडी विलयन में क्या होता है, जो कण होते हैं वो आपस में मिलकर एक पुंज का निर्माण करते हैं। तो पुंज के निर्माण करने से क्या होता है, इनमें जो कणों की संख्या होती है वो वास्तविक विलयनों की तुलना में क्या होती है? कम होती है। और देखिए, अनुसंख्यक गुणों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी है कि भाई जो अनुसंख्यक गुण होते हैं वो किसी भी विलयन में उपस्थित कणों की संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं। तो इससे क्या होता है भाई, कोलाइडी विलयन में कणों की संख्या कम होती है क्योंकि पुंज का निर्माण हो जाता है और इस कारण से इनके जो अनुसंख्यक गुण होते हैं या अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं उनका मान वास्तविक विलयनों की तुलना में क्या होता है? कम होता है। तो देखिए बच्चों, कोलाइडी कण बड़े पुंज होते हैं, अतः कोलाइडी विलयन में वास्तविक विलयन की तुलना में कणों की संख्या कम होती है, अतः इनके अणुसंख्यक गुण के मान वास्तविक विलयनों के मान से क्या होते हैं? कम होते हैं। क्लियर है? समझ में आई ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा गुण क्या है? देखिए बच्चों, दूसरा गुण है टिंडल प्रभाव। देखिए बच्चों, जो ये टिंडल प्रभाव है ये कोलाइडी विलयनों का प्रकाशीय गुण है। देखिए, ये कहा जाता है कि जब किसी भी कोलाइडी विलयन में से प्रकाश पुंज को प्रवाहित किया जाता है और उस प्रकाश पुंज के पथ को समकोण से देखा जाता है, या कहने का मतलब है कि प्रकाश पुंज को जब लंबवत देखा जाता है तो प्रकाश का पथ दिखाई देता है और इसे ही कहा जाता है टिंडल प्रभाव। देखिए बच्चों, वापस समझने की कोशिश करना। ये कहा जाता है कि किसी भी कोलाइडी विलयन में से जब प्रकाशीय किरण को या प्रकाशीय किरण पुंज को प्रवाहित किया जाता है और इस प्रकाशीय किरण पुंज के पथ को लंबवत देखा जाता है तो इस किरण पुंज का जो पथ है वो हमें दिखाई देता है और इसे ही कहा जाता है टिंडल प्रभाव। और देखिए, सबसे पहले इसे प्रेक्षित तो फैराडे ने किया था, लेकिन इस टिंडल प्रभाव को जो विस्तृत अध्ययन है वो टिंडल ने किया था। ये वैज्ञानिक थे, फैराडे और टिंडल दोनों वैज्ञानिक थे और इन टिंडल के सम्मान में ही इसे क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। और देखिए बच्चों, ये जो टिंडल प्रभाव है इसके द्वारा कोलाइडी विलयन और वास्तविक विलयनों में अंतर किया जाता है। अगर वास्तविक विलयनों में से प्रकाश की पुंज को प्रवाहित करके उसे लंबवत रूप से देखा जाता है तो हमें वास्तविक विलयनों में ये पद दिखाई नहीं देता है। और दूसरा देखिए, ये जो पथ होता है भाई, अंधेरे कमरे में जब इस प्रभाव को देखा जाता है, इस पथ को समकोण से देखा जाता है, तो जो पथ है वो एक शंकु के रूप में यानी एक कोण के रूप में दिखाई देता है जिसे टिंडल शंकु कहा जाता है। और देखिए, इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है भाई, किसी भी अंधेरे कमरे में अगर किसी छोटे से छिद्र में से सूर्य का प्रकाश आता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमें सूर्य के प्रकाश का जो पथ है वो एक कोण के रूप में, एक शंकु के रूप में दिखाई देता है और उसमें छोटे छोटे हमें धूल के कण तैरते हुए दिखाई देते हैं। तो ये टिंडल प्रभाव का सबसे अच्छा क्या है? उदाहरण है। तो चलिए एक बार हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों, जब अंधेरे में रखे किसी समांगी विलयन को प्रकाश की दिशा से देखा जाता है तो यह स्वच्छ दिखाई देता है, तथा यदि इसे प्रकाश किरण पुंज की दिशा के लंबवत देखा जाता है तो यह पूर्णतया अदीप्त यानी परफेक्ट डार्क दिखाई देता है। तो देखिए बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं? समांगी विलयन की बात कर रहे हैं कि जब समांगी विलयन में प्रकाश प्रवाहित किया जाता है और उसे देखा जाता है तो वो हमें स्वच्छ दिखाई देता है, और इस प्रकाश किरण पुंज को या इसकी दिशा के लंबवत देखते हैं तो ये हमें पूर्णतया कैसा दिखता है? अदीप्त दिखाई देता है। ये तो हम बात कर रहे हैं समांगी विलयन की यानी वास्तविक विलयन की। आगे देखिए, कोलाइडी विलयन को, देखिए ध्यान दीजिएगा, कोलाइडी विलयन को इस प्रकार पारगमन प्रकाश द्वारा देखने पर पर्याप्त स्वच्छ या पारदर्शी दिखाई देता है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा भाई, कोलाइडी विलयन को इस प्रकार पारगमन प्रकाश द्वारा देखने पर पर्याप्त स्वच्छ या पारदर्शी दिखाई देता है, परंतु इन्हें प्रकाश के पथ की दिशा से समकोण दिशा में देखने पर मंद से प्रबल दूधियापन दर्शाते हैं। क्लियर है? आगे देखिए,
अर्थात प्रकाश किरण पुंज का पारगमन पथ नीले प्रकाश से क्या हो जाता है, प्रदीप्त हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए। यह प्रभाव सर्वप्रथम फेराडे ने प्रेक्षित किया तथा टिंडल ने इसका विस्तृत अध्ययन किया था। इसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। प्रकाश का चमकीला कोण टिंडल शंकु कहलाता है। टिंडल प्रभाव वास्तव में इस कारण से होता है कि कोलाइडी कण प्रकाश को सभी दिशाओं में प्रकीर्णित करते हैं। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करना भाई, टिंडल प्रभाव क्यों होता है? क्योंकि जो कोलाइडी विलयन में उपस्थित जो कोलाइडी कण है वो प्रकाश का सभी दिशाओं में क्या करते हैं, प्रकीर्णन कर देते हैं, यानी प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं। जबकि वास्तविक विलयन में क्या होता है, जो कण होते हैं वो बहुत सूक्ष्म होते हैं और वो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से कोलाइडी विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं लेकिन वास्तविक विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते। चलिए आगे देखिए। प्रकाश का यह प्रकीर्णन कोलाइडी परिक्षेपण में किरण के पथ को क्या करता है, प्रदीप्त करता है। तो देखिए बच्चों, जो ये प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है ना, यही कोलाइडी परिक्षेपण में किरण के पथ को प्रदीप्त करता है। क्लियर है, आया समझ में यहाँ तक? चलिए आगे देखिए। टिंडल प्रभाव सिनेमा हॉल में पिक्चर को प्रोजेक्शन के समय हॉल में उपस्थित धूल एवं धुएं के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा देखा जा सकता है। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करना कि जो ये टिंडल प्रभाव है, ये सिनेमा हॉल में पिक्चर को प्रोजेक्शन के समय हॉल में उपस्थित धूल एवं धुएं के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा देखा जा सकता है। और देखिए बच्चों, इस डायग्राम से हम टिंडल प्रभाव को और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस पात्र में कोई क्या है, कोलाइडी विलयन है, और देखिए ये प्रकाश का स्रोत है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, प्रकाश को कोलाइडी विलयन में से प्रवाहित कर रहे हैं। क्लियर है? तो देखिए क्या होगा, कोलाइडी कणों के द्वारा ये प्रकाश का अलग अलग दिशाओं में क्या हो रहा है, प्रकीर्णन हो रहा है। देखिए ये प्रकीर्णित प्रकाश है, यानी अलग अलग दिशाओं में प्रकीर्णन हो रहा है। और जब हम इसे लंबवत देखते हैं, यानी जो प्रकाश जा रहा है, प्रकाश की जो दिशा है उसके लंबवत जब हम इसे सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो हमें उसका पथ दिखाई देता है। और साथ ही साथ देखिए इस तरीके से पथ में, इस तरीके से देखिए, मैं डार्क कर रही हूँ, इस तरीके से टिंडल शंकु का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये क्या है, ये जो इस तरीके से बन रहा है ये टिंडल शंकु है। और जब सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम लोग देखते हैं तो हमें साफ साफ ये पथ दिखाई देता है। इसे ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है। और ये कोलाइडी विलयनों का क्या है, प्रकाशीय गुण है। और इसके द्वारा हम वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयनों में अंतर भी स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए भाई, टिंडल प्रभाव तभी देखा जा सकता है जब निम्न शर्तें हो। देखिए बच्चों, टिंडल प्रभाव के लिए कुछ शर्तें होती है। देखिए क्या है, पहली शर्त देखिए, परिक्षिप्त कणों का व्यास प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बहुत कम नहीं होना चाहिए। देखिए पहली शर्त क्या है कि जो परिक्षिप्त कणों का जो व्यास है वो प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बहुत कम नहीं होना चाहिए। दूसरा देखिए, दूसरी शर्त क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक परिमाप में बहुत अंतर होना चाहिए। यानी परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के जो अपवर्तनांक का परिमाप होता है उसके मध्य बहुत अंतर होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, जब ये दो शर्तें पूरी होगी तभी टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। क्लियर है, आया आपको टिंडल प्रभाव समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला गुण क्या है देखिए बच्चों, तीसरा गुण है रंग। ध्यान दीजिएगा, तीसरा गुण क्या है, रंग है। देखिए, कोलाइडी विलयन का रंग परिक्षिप्त कणों के द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। देखिए बच्चों, कोई भी जो कोलाइडी विलयन होता है, कोलाइडी विलयन का जो रंग होता है वो परिक्षिप्त कणों के द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कणों के आकार और प्रकृति पर भी निर्भर करता है। देखिए बच्चों, प्रकीर्णित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर तो निर्भर करता ही है किसी भी कोलाइडल विलयन का रंग, साथ ही साथ कणों के आकार और उनकी प्रकृति पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए,
कोलाइडी विलयन का रंग प्रेक्षक द्वारा प्रकाश को ग्रहण करने के तरीके पर भी निर्भर करता है। और देखिए साथ ही साथ जो कोलाइडल विलयन का रंग है वो प्रेक्षक द्वारा प्रकाश को ग्रहण करने के तरीके पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, चलिए आगे क्या है, उदाहरण देखिए, इसको उदाहरण से समझिए। दूध और पानी का मिश्रण परावर्तित प्रकाश में देखने पर नीला एवं संचरित प्रकाश में देखने पर लाल दिखाई देता है। देखिए बच्चों, परावर्तित प्रकाश का मतलब है रिफ्लेक्टेड लाइट, क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट की बात कर रहे हैं, और संचरित प्रकाश का मतलब है ट्रांसमिटेड लाइट, यानी कहने का मतलब है परावर्तित प्रकाश में देखने पर दूध और पानी का मिश्रण नीला दिखाई देगा, जबकि संचरित प्रकाश में देखने पर वो हमें कैसा दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा। ठीक है, ये पहला उदाहरण हो गया। दूसरा देखिए, गोल्ड सॉल में कणों का आकार सूक्ष्मतम होता है तो वह लाल दिखाई देता है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं गोल्ड सॉल की, यानी गोल्ड सॉल में कणों का आकार सूक्ष्मतम होता है। वापस देखिए, गोल्ड सॉल में कणों का आकार सूक्ष्मतम होता है तो वह लाल दिखाई देता है। कणों का आकार बढ़ने पर उसका रंग बैंगनी हो जाता है और अधिक बढ़ने पर नीला और अंत में स्वर्णिम यानी गोल्डन दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा उदाहरण हो गया कोलाइडल विलयनों के रंग का। क्लियर है, आया समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला गुण देखिए बच्चों क्या है, ब्राउनी गति। अगला गुण क्या है, ब्राउनी गति। देखिए बच्चों, जो ब्राउनी गति है, सबसे पहले उसका अध्ययन ब्राउन ने किया। देखिए ब्राउन एक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट ने जब अति सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कोलाइडल विलयनों का अध्ययन किया तो उन्होंने क्या देखा कि जो कोलाइडल विलयन में जो कण होते हैं वो कण अनिश्चित अनाप शनाप इधर उधर क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। कहने का मतलब है कि कोलाइडल विलयन में जो कण होते हैं वो टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, और इसी गति को उन्होंने क्या नाम दिया, ब्राउनी गति। क्या नाम दिया, ब्राउनी गति दिया। और देखिए बच्चों, इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखिए, जब किसी अंधेरे कमरे में किसी छोटे से छिद्र में से सूर्य का प्रकाश आता है तो आपने देखा होगा कि उस प्रकाश के पथ में हमें छोटे छोटे धूल के कण इधर उधर गति करते हुए दिखाई देते हैं, तो उनकी जो ये गति है ये ब्राउनी गति कहलाती है। तो ये जो ब्राउनी गति है ये किसी भी कोलाइडी विलयनों का एक गतिज गुण है। कैसा गुण है, गतिज गुण है। तो देखिए, रॉबर्ट ब्राउन ने अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोलाइडी विलयनों का अवलोकन करने पर पाया कि विलयन में कोलाइडी कण निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, इसे ही ब्राउनी गति कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ब्राउनी गति। आगे देखिए, ब्राउनी गति का कारण परिक्षेपण माध्यम के गतिशील अणुओं की कोलाइडी कणों पर लगातार होने वाली असंतुलित टक्करें हैं। देखिए बच्चों, क्या कारण है ब्राउनी गति का, भाई परिक्षेपण माध्यम के गतिशील कण और जो कोलाइडी कण हैं उनके उनके बीच में होने वाली असंतुलित टक्करें, और इसी के कारण ब्राउनी गति होती है। क्लियर है, चलिए आगे देखिए। ब्राउनी गति कोलाइडी कणों के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अतः जैसे जैसे कणों का आकार बढ़ता जाता है वैसे वैसे ब्राउनी गति कम होती जाती है। अरे भाई बच्चों, जैसे जैसे कणों का आकार बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा और जो कण है वो इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी गति नहीं कर पाएंगे। अरे भाई, जब आकार बढ़ेगा, गुरुत्वाकर्षण बल उन पर प्रभावी होगा तो वो क्या करेंगे, नीचे बैठने की कोशिश करेंगे गुरुत्वाकर्षण के कारण। क्लियर है, तो देखिए क्या होता है, ब्राउनी गति कोलाइडी कणों के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और देखिए इस डायग्राम से ब्राउनी गति को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बच्चों, ये कण है, ये जो आपको दिखाए गए हैं ये कण है, और देखिए ये जो कण है ये आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। देखिए बच्चों, ब्राउनी गति पे से भी प्रश्न बनता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कोलाइडल विलयनों की ब्राउनी गति को समझाइए। ठीक है, तो आप इस तरीके से डायग्राम बना के इस ब्राउनी गति के बारे में समझा के आएंगे। क्लियर है, चले अगले गुण की तरफ। चलिए भाई,
अगला गुण क्या है, देखिए पांचवा, कोलाइडी कणों पर आवेश। ध्यान दीजिएगा, कोलाइडी कण विद्युतीय आवेश युक्त होते हैं। विलयन के सभी कोलाइडी कणों पर आवेश की प्रकृति समान होती है, जो कि धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे। कोलाइडी कणों पर बराबर एवं एक जैसे आवेशों की उपस्थिति कोलाइडी विलयनों को स्थायित्व प्रदान करती है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि कोलाइडी कणों पर जो बराबर एवं एक जैसे आवेश उपस्थित होते हैं, इसके कारण ही कोलाइडी विलयनों को क्या प्राप्त होता है, स्थायित्व प्राप्त होता है। क्यों, देखिए आगे, क्योंकि समान आवेश उपस्थित रहने के कारण वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे कणों का समूहन नहीं हो पाता। अरे भाई, एक जैसे आवेश होंगे कोलाइडी कणों पर, तो क्या होगा, उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण होने के कारण वो ना तो एक दूसरे के पास आ पाएंगे, ना ही उनका समूहन हो पाएगा। क्लियर है यहां तक का? चलिए आगे देखिए। कोलाइडी कणों पर आवेश उत्पन्न होने के अनेक कारण हैं। अब देखिए बच्चों, कोलाइडी कणों पर आवेश क्यों उत्पन्न होता है, समझने की कोशिश करना। देखिए कारण क्या है। पहला देखिए, धातुओं के वैद्युत परिक्षेपण के समय कोलाइडी कणों द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण द्वारा उत्पन्न ऋणावेश। देखिए पहला कारण क्या है, भाई आवेश क्यों उत्पन्न होता है, धातुओं के विद्युत परिक्षेपण के समय क्या होता है, जो कोलाइडी कण है अगर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं तो उनपे क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। दूसरा देखिए, विलयन से आयनों का अधिमान्य अधिशोषण एवं विद्युतीय दोहरी परत बनने के कारण। दूसरा कारण देखिए, विलयन से आयनों का अधिमान्य अधिशोषण एवं विद्युतीय दोहरी परत बनने के कारण। तो देखिए बच्चों, इन दोनों कारणों से हमारे जो कोलाइडी कण है उन पे क्या उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, परिक्षेपण माध्यम में दो या अधिक आयन उपस्थित होने पर कोलाइडी कणों द्वारा उस आयन का अधिमान्य अधिशोषण होता है, जो कोलाइड में भी उपस्थित होते हैं। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करना, हमें ये बता रहा है कि अधिमान्य अधिशोषण क्या है, मतलब जिसका अधिशोषण होता है पहले। तो देखिए क्या है कि परिक्षेपण माध्यम में अगर दो या दो से अधिक आयन होते हैं, तो कोलाइडी कणों द्वारा उस आयन का अधिमान्य अधिशोषण किया जाता है, जो कि कोलाइड में भी क्या होता है, उपस्थित होता है। आगे देखिए, सोल कण धनात्मक या ऋणात्मक आयनों के अधिमान्य अधिशोषण द्वारा धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश ग्रहण कर लेते हैं। देखिए बच्चों, जो सोल कण होते हैं वो धनात्मक या ऋणात्मक आयनों के अधिमान्य अधिशोषण के कारण क्या होता है, आवेश ग्रहण कर लेते हैं। तो देखिए आगे, इसे निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है। अब हम ये समझ लेते हैं कि किस तरीके से अधिमान्य अधिशोषण के द्वारा हमारे कोलाइडी कणों पर आवेश आ जाता है। तो देखिए, समझने की कोशिश करना, देखिए पहला क्या है, जब सिल्वर नाइट्रेट के अत्यधिक तनु विलयन को पोटेशियम आयोडाइड के अत्यधिक तनु विलयन में मिलाया जाता है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, भाई सिल्वर नाइट्रेट के अत्यधिक तनु विलयन को हम पोटेशियम आयोडाइड के अत्यधिक तनु विलयन में मिला रहे हैं, तो क्या होता है, तब देखिए, तब अवक्षेपित सिल्वर आयोडाइड, देखिए बच्चों क्या होगा, भाई सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में अभिक्रिया होगी और सिल्वर आयोडाइड बनेगा। ठीक है, और देखिए क्या होगा, तब अवक्षेपित सिल्वर आयोडाइड परिक्षेपण माध्यम में से आयोडाइड आयनों को अधिशोषित करके ऋण आवेशित कोलाइडी सोल देते हैं। तो देखिए बच्चों क्या होगा कि जो सिल्वर आयोडाइड बनता है ना, वो सिल्वर आयोडाइड परिक्षेपण माध्यम में से आयोडाइड आयनों का क्या कर लेगा, अधिशोषण कर लेगा। क्लियर है, और जैसे ही आयोडाइड आयनों का अधिशोषण करेगा, आयोडाइड आयन कैसे होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं। ठीक है, तो इससे जो सोल बनेगा वो कैसा बनेगा, ऋण आवेशित कोलाइडी सोल बनेगा। आई बात समझ में, आगे देखिए, किंतु देखिए जो ध्यान दीजिएगा, किंतु जब के आई को, के आई का मतलब है पोटेशियम आयोडाइड,
देखिए, जब KI को AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट विलयन में मिलाया जाता है तो परिक्षेपण माध्यम से Ag+ यानी जो सिल्वर आयन है, Ag+ आयनों के अधिशोषण के कारण धन आवेशित सोल बनता है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि जब KI को, अब हम क्या कर रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड को AgNO3 विलयन में मिला रहे हैं तो परिक्षेपण माध्यम से अब Ag+ आयनों का अधिशोषण होगा। और Ag+ आयन कैसे है, धन आवेशित है, तो अब जो सोल बनेगा वो कैसा बनेगा, धन आवेशित सोल बनेगा। तो देखिए इस तरीके से तो बनेगा ऋण आवेशित सोल AgI, और ये इसने आयोडाइड आयनों का अधिशोषण कर लिया। और ये देखिए धनावेशित सोल में क्या हुआ, AgI ने किसका अधिशोषण कर लिया, Ag+ का। तो हमने क्या देखा कि जो हमारे कोलाइडी कण है उन पे आयनों के अधिशोषण के कारण क्या आ गया, आवेश आ गया। आ गया, देखिए यहाँ पे ऋण आवेशित आयन को अधिशोषण हुआ है। भाई आयोडाइड कैसा है, ऋणावेशित है, तो यहाँ पे ऋणावेशित आयन के अधिशोषण के कारण ये ऋणावेशित सॉल बन गया और ये धनावेशित सॉल बन गया, क्योंकि यहाँ पे धनात्मक सिल्वर आयन का क्या हुआ है, अधिशोषण। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए भाई दूसरा देखिए, यदि गर्म जल में FeCl3 विलयन की बूंद बूंद करके मिलाया जाता है तो Fe+3 आयनों का अधिशोषण धन आवेशित सोल बनाता है। देखिए बच्चों क्या होगा, गर्म जल में FeCl3 विलयन को बूंद बूंद करके मिला रहे हैं तो Fe+3 आयनों का अधिशोषण हो जाएगा और धनावेशित सोल बनेगा। लीजिए भाई ये धनावेशित सोल, देखिए Fe2O3.XH2O। ठीक है, और इसने क्या किया, Fe+3 आयनों का अधिशोषण कर लिया, ये बन गया धनात्मक सोल या धनावेशित सोल। क्लियर है, आगे देखिए, यदि FeCl3 को NaOH के विलयन में डाला जाए, अब क्या कर रहे हैं हम, FeCl3 को NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में डाल रहे हैं तो OH- के अधिशोषण के कारण ऋणात्मक सोल बनता है। तो देखिए बच्चों अब क्या होगा, Fe2O3.XH2O और OH-, अरे भाई OH- ऋणात्मक आयन का अधिशोषण हुआ है ना, तो कैसा सोल बन गया, ऋणात्मक सोल या ऋणावेशित सोल का क्या हो गया, निर्माण हो गया। आई बात समझ में, लीजिए आगे बढ़ते हैं। कोलाइडी कण की सतह पर अधिशोषित आयन एक वैद्युत स्तर या सतह के रूप में रहते हैं। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, कोलाइडी कण किसी भी आयन का अधिशोषण कर रहे हैं तो ये आयन है वो उसके क्या होंगे, सतह पर होंगे, एक परत के रूप में होंगे इसके सतह पर। तो देखिए कोलाइडी कण की सतह पर अधिशोषित आयन एक विद्युत स्तर या सतह के रूप में रहते हैं, इस स्थिर सतह को प्राथमिक वैद्युत स्तर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना, प्राथमिक वैद्युत स्तर, क्या कहते हैं, प्राथमिक वैद्युत स्तर। क्लियर है, यहां तक की बात आपको समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस स्तर के चारों ओर विलयन में उपस्थित अन्य आयन एक दूसरा वैद्युत स्तर बना लेते हैं जो गतिशील होता है और इसे विसरित परत कहते हैं। तो देखिए बच्चों जो ये प्राथमिक स्तर जो बना था, देखिए हमने अभी पढ़ा ना कि प्राथमिक विद्युत स्तर बना है, इस प्राथमिक विद्युत स्तर के चारों तरफ क्या होता है, विलयन में उपस्थित जो दूसरे आयन है वो एक दूसरा स्तर बना लेते हैं, यानी उसके चारों तरफ एक दूसरी परत बना लेते हैं जो कि गतिशील होती है और इसे कहा जाता है विसरित परत। क्या बोलते हैं, विसरित परत कहते हैं। आगे देखिए, इस स्तर में यानी विसरित परत में, विस्तृत परत में धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार के आयन होते हैं, इस प्रकार कोलाइडी कण के चारों ओर दोहरी परतों का संयोजन हेल्महोल्ट्ज़ विद्युतीय दोहरी परत कहलाता है। तो देखिए बच्चों इस तरीके से क्या होता है, कोलाइडी कण के चारों ओर पहले तो बन गई प्राथमिक विद्युत स्तर, ठीक है, पहली परत बन गई, उन आयनों की बन गई जिनका अधिशोषण होता है, और दूसरी परत जो बनी है उसमें धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार के आयन होते हैं जिसे कहते हैं विसरित परत। तो इस तरीके से कोलाइडी कण के चारों ओर इन दो परतों का जो निर्माण होता है, जो दोहरी परतों का संयोजन होता है, इसे हेल्महोल्ट्ज़ विद्युतीय दोहरी परत कहलाता है, या इसे हेल्महोल्ट्ज़ विद्युतीय दोहरी परत भी कहते हैं।
आई बात समझ में यहाँ तक की? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। इसके आवेशों का पृथक्करण विभव के आधार पर होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो आवेशों का पृथक्करण होता है वो इन परतों के विभव के आधार पे होता है। और देखिए इस डायग्राम से समझने की आप कोशिश कीजिए। ये AgI सिल्वर आयोडाइड है, कोई ठोस सिल्वर आयोडाइड है, क्लियर है? लीजिए भाई, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसने I- का अधिशोषण कर लिया, ठीक है, I- का अधिशोषण कर लिया। और इसके पास आपको पता है I- के पास में K+ आयन तो रहेंगे ही, ठीक है। यानी अधिशोषण, यानी इस AgI ने अपनी सतह पर, ये जो इसकी सतह है इस पे अधिशोषण किया है I- का, ठीक है, या I- का अधिशोषण किया है। इस तरीके से क्या बन गई, प्राथमिक परत बन गई, क्लियर है, प्राथमिक परत बन गई। और इस प्राथमिक परत के बाहर देखिए, प्राथमिक परत के इधर की तरफ देखिए, जो दूसरे धनात्मक और ऋणात्मक आयन हैं वो क्या हो गए, उन्होंने भी एक दूसरी परत का निर्माण कर लिया। तो ये हो गई विसरित परत, देखिए ये जो विसरित परत हो गई, दिया हुआ है विसरित परत, और ये देखिए ये जो परत हो गई ये प्राथमिक परत हो गई, क्लियर है। तो इस तरीके से देखिए AgI के चारों ओर, बेटा ये चारों ओर बनती है, यहाँ पे एक साइड से आपको दिखाया हुआ है, ये इसके चारों ओर की बात हो रही है कि AgI के चारों ओर I- ये इस तरीके से क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। यानी देखिए बच्चों वापस देखिए, ये इस तरीके से इसके चारों तरफ की बात कर रहे हैं, इसके चारों तरफ इस तरीके से I- है ना, यानी ये चारों तरफ I- का अधिशोषण हो रहा है, यानी आयोडाइड आयन का अधिशोषण हो रहा है, क्लियर है, ये चारों तरफ होता है ये। और इस तरीके से K+ भी इसके चारों तरफ होंगे, K+ भी कहाँ होंगे, ये जो K+ है ये भी इसके चारों तरफ होंगे। और इस परत को हम कहते हैं प्राथमिक विद्युत परत या प्राथमिक विद्युत स्तर। और उनके चारों तरफ ये जो धनात्मक और ऋणात्मक आयन है ये चारों तरफ व्यवस्थित रहेंगे, जो विस्तृत परत का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, क्लियर है। आई यहाँ तक की कहानी आपको समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार स्थिर तथा विसरित भागों पर विपरीत चिन्ह के आवेशों के कारण दोनों परतों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। यह विभवांतर वैद्युत गतिक विभव या जीटा विभव कहलाता है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार स्थिर तथा विसरित भागों पर विपरीत चिन्ह के आवेशों के कारण दोनों परतों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे जीटा विभव या वैद्युत गतिक विभव भी कहा जाता है। तो देखिए बच्चों ये आप लोगों को समझ में आ ही गया कि जीटा विभव क्या होता है। आगे देखिए अगला, देखिए अगला गुण क्या है, वैद्युत कण संचलन। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर अभिगमन वैद्युत कण संचलन कहलाता है। देखिए बच्चों, कोलाइडी कणों पर या कोलाइडी विलयनों पर जब वैद्युत आवेश लगाया जाता है, कहने का मतलब है एक तरफ कैथोड और एक तरफ एनोड लगाया जाता है, तो जो आयन्स होते हैं वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर क्या करते हैं, गमन करते हैं, ठीक है, और इसे ही कहा जाता है वैद्युत कण संचलन। धनात्मक आवेशित कण कैथोड की ओर जबकि ऋणात्मक आवेशित कण एनोड की ओर गति करते हैं। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो धनात्मक आवेशित कण है वो कैथोड की ओर जाएंगे, क्लियर है, तो इसे कहा जाता है धन कण संचलन। क्या कहा जाता है, देखिए मैं यहां लिख रही हूं, इसे कहा जाता है धन कण संचलन। यानी जब धनात्मक आयन, देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब धनात्मक आवेशित आयन कैथोड की ओर गमन करते हैं इसे कहा जाता है धन कण संचलन, और जब ऋणात्मक आवेशित कण एनोड की ओर गमन करते हैं इसे कहा जाता है ऋण कण संचलन। इसे क्या कहा जाता है, ऋण कण संचलन भी कहा जाता है, क्लियर है। तो ये बात आपको समझ में आई कि वैद्युत कण संचलन क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये डायग्राम देखिए बच्चों, इस डायग्राम से आप इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए इस तरीके का एक एपरेटस होता है, इस यू शेप नलिका होती है, इस यू शेप नलिका में देखिए एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड है, और ये होज है, ये पानी का होज है, रिजर्वायर है पानी का, यहाँ से पानी की सप्लाई होती है, यहाँ पर रोधनी, ठीक है, एक रोधनी लगा रखी है। आगे देखिए ये यहाँ पे प्राथमिक स्तर बता रहा है कि प्राथमिक स्तर क्या है। भाई सबसे पहले प्राथमिक स्तर क्या है, इसमें जल भरा हुआ है, ठीक है, और कहने का मतलब है जल यहाँ पे क्या है, परिक्षेपण माध्यम के रूप में है यहाँ पे। अब देखिए जैसे ही
कैथोड और एनोड को कैसे विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है। तो आप लोग देखिए, ये जितने भी ये आपको दिखाए गए हैं ये आयन, देखिए जो गोल गोल है ये आयन, इनमें आप देखेंगे कि माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, यानी ये कैसे है, ऋणात्मक आवेशित आयन है। देखिए ये एरो से ये दिखाया गया है कि जो ये ऋणात्मक आवेशित आयन है, ये ऋणात्मक आवेशित आयन किधर की तरफ जा रहे हैं, एनोड की तरफ जा रहे हैं ना। वापस समझने की कोशिश कीजिए बच्चों, इस डायग्राम में आपको जो ये दिखाए गए हैं, ये जो कण दिखाए गए हैं, इन कणों के बीच में माइनस लगा हुआ है, यानी ये कैसे कण है, ये ऋण आवेशित कण है। अब देखिए जैसे ही कैथोड और एनोड को विद्युत सोर्स से जोड़ा जाएगा तो ये ऋण आवेशित कण किधर की ओर गमन करेंगे, एनोड की ओर क्या करेंगे, गमन करेंगे। और ये देखिए एनोड पर जाके ये क्या होगा, ये कण एनोड पर जाके इकट्ठे हो गए, क्लियर है। इसे कहा जाता है विद्युत कण संचलन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऋणात्मक आयन एनोड की ओर जा रहे हैं, यानी ये हो रहा है ऋण कण संचलन, क्लियर है। तो इस डायग्राम से आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और देखिए ये अंदर क्या भरा हुआ है, कोलाइडी विलयन भरा हुआ है ना, इसमें कोलाइडी विलयन है इसमें, ठीक है। चलिए आगे सातवां, देखिए बेटा सातवां गुण है स्कंदन। देखिए कोलाइडी कण आवेशित होते हैं, यदि इनके आवेश को हटा दिया जाता है तो कोलाइडी कण एक दूसरे से संयुक्त होकर बड़े कण बनाते हैं जो अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाते हैं, यह प्रक्रम सॉल का स्कंदन कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे, स्कंदन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। अब देखिए बच्चों स्कंदन कैसे कैसे किया जा सकता है, पहला देखिए वैद्युत कण संचलन द्वारा। भाई अभी हमने वैद्युत कण संचलन पढ़ा है, भाई क्या होता है कोलाइडी विलयन में जैसे ही इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, कैथोड और एनोड लगा के किसी विद्युत सोर्स से जोड़ा जाता है, तो क्या होता है जो कण होते हैं वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर जाते हैं और वहां जाके स्कंदित हो जाते हैं या अवक्षेपित हो जाते हैं, ठीक है। इसे कहा जाता है वैद्युत कण संचलन। दूसरा देखिए, दो विपरीत आवेशित सोल को मिश्रित करके। देखिए बच्चों जब दो विपरीत आवेशित सोल को आपस में मिश्रित किया जाता है तो उनके एक दूसरे के विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं और उनका स्कंदन हो जाता है। तीसरा देखिए क्वथन द्वारा, भाई क्वथन के द्वारा भी क्या किया जा सकता है, स्कंदन किया जा सकता है। और चौथा देखिए जो हम समझेंगे आगे, वैद्युत अपघट्य मिलाकर, यानी कोलाइडी विलयन में कोई उपयुक्त वैद्युत अपघट्य मिलाकर भी स्कंदन किया जा सकता है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। देखिए बच्चों जब एक वैद्युत अपघट्य प्रचुर मात्रा में मिलाया जाता है तो कोलाइडी कण अवक्षेपित हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि कोलाइडी कण अपने से विपरीत आवेश वाले आयनों से अन्योन्य क्रिया करते हैं, इससे क्या होगा उदासीनीकरण होता है और इससे क्या हो जाएगा स्कंदन होता है। अरे भाई विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे से क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं, जिसे उदासीनीकरण कहते हैं, और इससे क्या हो जाता है उनका स्कंदन हो जाता है। चलिए आगे, कणों पर आवेश के उदासीनीकरण के लिए उत्तरदायी आयन स्कंदक आयन कहलाते हैं। देखिए बच्चों कि कणों पर जो आवेश है उनके उदासीनीकरण के लिए उत्तरदायी आयन स्कंदक आयन कहलाते हैं। एक ऋण आयन धनात्मक आवेशित सोल का स्कंदन करता है। ध्यान दीजिएगा भाई, जो ऋण आयन होता है वो धनात्मक आवेशित सोल का स्कंदन करता है, तथा धनायन, देखिए बच्चों धनायन ऋणात्मक आवेशित सोल का। अरे भाई विपरीत आवेशित आयन विपरीत आवेश वाले जो कण हैं उनका ही तो स्कंदन करेगा। यह देखा गया है कि साधारणतः ऊर्णिकर्मक आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उतनी ही उसकी अवक्षेपण की क्षमता होती है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो ऊर्णिकर्मक है यानी जो स्कंदन के लिए आवश्यक जो आयन है, तो ये कहा जाता है कि उस आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उतनी ही उसकी अवक्षेपण की क्षमता होती है। इसे हार्डी सुल्से नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्डी सुल्से नियम, क्लियर है। चलिए आगे, ऋण सोल के स्कंदन में ऊर्णन क्षमता का क्रम निम्न होता है। देखिए बच्चों किसी भी ऋण सोल है, ठीक है, और ऋणात्मक सोल के स्कंदन के लिए ऊर्णन क्षमता देखिए, पहले एल्यूमिनियम प्लस 3 की, उसके बाद उससे कम जो स्कंद ऊर्णन क्षमता होती है वो Ba प्लस 2 की, फिर Na प्लस की। तो देखिए क्यों हुआ ये, क्योंकि इस पे आवेश क्या है, प्लस 3, इस पे प्लस 2, इस पे प्लस 1।
अभी हमने पढ़ा है कि किसी भी ऊर्णन आयन पर जितना ज़्यादा आवेश होगा, चाहे वो धनात्मक में हो या ऋणात्मक में, यानी जितना ज़्यादा आवेश होगा उसकी अवक्षेपण की क्षमता भी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, धन सोल के स्कंदन में ऊर्णन क्षमता का क्रम देखिए। देखिए पहला क्रम, पहला इसका ज़्यादा होगा क्रम, यानी इसकी ऊर्णन क्षमता ज़्यादा होगी एफ ई, और ये ब्रैकेट में है सी एन, और ब्रैकेट के बाहर है ये सिक्स, और ये इस पर देखिए इस पर पावर है, इस पूरे पे पावर है -4, यानी इसकी ऊर्णन क्षमता ज्यादा होगी क्योंकि आवेश क्या है -4 है सबसे ज्यादा। उसके बाद PO4 -3, उससे कम SO4 -2 की, और इससे कम Cl माइनस की। तो अब देखिए इस पे आवेश सबसे ज्यादा है ना, -4 -3 -2 -1, यानी इसकी ऊर्णन क्षमता सबसे ज्यादा। क्लियर है, आगे देखिए, किसी विद्युत अपघट्य की मिली मोल प्रति लीटर में न्यूनतम सांद्रता जो किसी सोल को 2 घंटों में स्कंदित करने के लिए आवश्यक हो स्कंदन मान कहलाती है। तो देखिए बच्चों, किसी विद्युत अपघट्य की मिली मोल प्रति लीटर में न्यूनतम सांद्रता जो किसी सोल को 2 घंटों में स्कंदित करने के लिए आवश्यक होती है स्कंदन मान कहलाती है। क्लियर है, आया आपको ये समझ में? तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने कोलाइडी विलयनों के गुणों के बारे में पढ़ा, यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और देखिए बच्चों, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ, एक तो प्रश्न बनता है ब्राउनी गति से और एक बनता है टिंडल गुण से, तो इन्हें आप अच्छे से पढ़िए इन टॉपिक्स को। और अब इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।